हेलो फ्रेंड्स, जीनियस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी की। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 7.4 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 7.1, 2 और 3 तीनों मैंने सॉल्व कर दिए हैं, एक एक क्वेश्चन उनका। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप भी जीनियस बनना चाहते हैं तो दबाइए इस बटन को, दबाइए। तो देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले, 7.4 को करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे जो आपको क्या होंगे, याद रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, उन फॉर्मूलों को याद करने से अच्छा आप उन फॉर्मूलों को प्रूफ कर लीजिए एक बार। तो इस वीडियो में उन फॉर्मूलों को प्रूफ करेंगे। तो देखिए, उनमें से कुछ फॉर्मूले ये हैं, जैसे ये है ना पहला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर वाला, दूसरा ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो दोस्तों, इनको प्रूफ करने का फ़ायदा क्या होगा, ये आप ज़रा सुनिएगा। कभी कभी CBSE में क्वेश्चन नहीं आता है और सिर्फ ये पूछा जाता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखिए। तो सिर्फ बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लिख के आ जाते हैं, लेकिन लिखने से दोस्तों नंबर नहीं मिलेंगे आपको, आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वाला। तो आप लिख लीजिए पहला वाला फॉर्मूला क्या होगा आपका, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो आंसर आएगा वो तो हम सबको पता है, क्या आएगा, 1/2a। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में होगा इस पेज पर। ठीक है, लॉग मॉड में होगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो देखिए दोस्तों, अब इसको प्रूफ करने से पहले, इसका प्रूफ आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आप चाहें तो एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सब समझा दे रहा हूँ ताकि आपको सिंपल थोड़ा सा लगे। तो ये इतना लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2a मतलब 2a से डिवाइड करना पड़ेगा और 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2a क्या होगा दोस्तों, एक कांस्टेंट नंबर होगा। और यहाँ आप लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इस 2a को आप कैसे लिखेंगे ज़रा समझिएगा, 1/2a बाहर रहेगा और इस 2a को आप लिख दीजिएगा a प्लस ए, क्या लिखिएगा, a प्लस ए। अब देखिए, a प्लस ए के बाद आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए एक x को और ऐड कर दीजिए एक माइनस x को। ठीक है, अब ऐसा क्यों करेंगे ज़रा देखिएगा, फिर नीचे वही लिख दीजिएगा जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्या कि ऐड प्लस x एंड माइनस x इन न्यूमरेटर। अब जरा समझिएगा, 1/2a को हम क्या करें, बाहर ही रहने देते हैं और यहाँ पर देखिए इस x को एक a के साथ लिखते हैं और इस माइनस x को एक दूसरे a के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो इस x को a के साथ हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस a, और इस माइनस x को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, x आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा आपका, प्लस ए आ जाएगा और अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए, 1/2a और इसके नीचे ये लिख दीजिए, इसके नीचे ये लिख दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब दोस्तों आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 1/2a और एक्स प्लस ए यहीं लिखे रहने दीजिए, इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स।
तो देखिए दोस्तों, 1/2 a, और इस x प्लस ए से ये कट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/(x-a) माइनस इसका इससे कट जाजाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/(x+a dx)। ठीक है दोस्तों, अब इसका इंटीग्रेशन काफ़ी सरल है, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x-a) कितना हो जाएगा। देखिए एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको कि 1/(x dx) का इंटीग्रेशन आपने याद किया होगा क्या होता है, log x+c होता है। तो कभी भी ऐसा आ जाए 1/(x+5) आ जाए, 1/(x-5) आ जाए, ठीक है ना, dx मतलब x के साथ कुछ भी आए, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको log x+5 रखना होगा, मतलब जो भी यहाँ पर होगा पूरा x के साथ वो से ऐसे रखना है, और यहाँ पर log x-5 रखना होगा। ठीक है दोस्तों, प्लस c यूज़ करना होगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x-a, और माइनस में क्या आ जाएगा दोस्तों, log x+a। ठीक है दोस्तों, प्लस क्या आ जाएगा, c। अब देखिए एक चीज़ होती है कि यहाँ मोड क्यों यूज़ होता है, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो x की वैल्यू हो वो a से कम हो, तो हम हमेशा x-a में मोड लगाएंगे, क्योंकि अगर x की वैल्यू a से कम होगी तो x-a जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, और हमें पता है कि जो log होता है दोस्तों वो नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या यूज़ करेंगे, log में मोड यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिव भी हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप पॉजिटिव। और इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आपको पता होगी ये कि log m-log n को दोस्तों हम log m/n लिख सकते हैं, तो ये m-n जो होगा वो क्या हो जाएगा, log m/n। तो यहाँ अगर ये m है और ये n है तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ये 1/2 log x-a/(x+a+c). तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में कि x²-a² का है, तो खाली ये नहीं लिखना दोस्तों, पूरा सॉल्व करना है, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। और आपको ये याद भी हो गया होगा कि log 1/(x²-a² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 a log mod x-a/(x+a+c). तो चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं दोस्तों, सेकंड वाले में भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, तो सेकंड वाला भी आप देखिएगा और आप खुद भी प्रूफ करिएगा। dx अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, a² - x² dx। अब 1/2 a आप यहाँ देंगे तो दोस्तों 1/2 a का इंटू यहाँ करना पड़ेगा, और फिर से a² - क्या हो जाएगा, x² dx। ठीक है, अब देखिए अगेन इसको हम क्या कर रहे हैं, 1/2 a, और इस a को क्या, 2 a को क्या करेंगे, a+a लिख देंगे, और फिर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, +x - x अपॉन में a² - x² dx हो जाएगा। अब देखिए 1/2 a, और यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, एक a और x को साथ में लेंगे, और एक a और -x को साथ में लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, a+x अपॉन a² - x², इस बार थोड़ा जल्दी कर सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस में आ जाएगा a - x अपॉन a² - x² दोस्तों, और यहाँ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब क्या करते हैं, 1/2 a, और इसको वहीं से फिर से क्या कर देते हैं, a² - b² लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a+x, ये हो जाएगा आपका a+x a-x, और प्लस में यहाँ आ जाएगा a-x अपॉन a+x a-x। कुछ बच्चे ये नहीं करके जाते हैं, जिस वजह से उनके नंबर 95 के पास ही रह जाते हैं, 100 नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वो याद तो कर लेते हैं दोस्तों, पर ये भूल जाते हैं कि ये भी प्रूफ करने को आ जाता है। तो a+x से a+x कट जाएगा, तो 1/(a-x) आ जाएगा, और प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा a+x dx। ठीक है दोस्तों, अब एक बात समझिएगा, 1/2 a यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन होगा दोस्तों, क्योंकि अब तो इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इसका इंटीग्रेशन हो तो जाएगा log a-x, लेकिन एक माइनस कहाँ आएगा, एक नीचे आएगा। आपको अगर याद हो तो जो x का कोफिशियंट होता है वो कहाँ आता था, नीचे आता था। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया मैंने कि जो भी इसका कोफिशियंट होगा वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, log a+x प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, c। अब देखिए 1/2 a, ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, इस माइनस साइन को अगर इधर कर देंगे तो फिर से देखिए, log m माइनस क्या हो जाएगा, log n। तो अभी समझाया था, log m माइनस log n को आप क्या लिख सकते हैं, log m/n लिख सकते हैं। तो इस बार क्या आ जाएगा दोस्तों, log a+x अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये a-x प्लस क्या आ जाएगा, c। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला भी आप समझ गए ना, कितना ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर आप जरूर ये अब करते हैं थर्ड वाला, और ये थर्ड वाला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि थर्ड वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए थर्ड वाले में क्या है दोस्तों, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसका मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा जिससे आपके आगे के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे पूरी एक्सरसाइज के। तो देखिए इसमें करना क्या होगा आपको, बहुत इजी होगा ये करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा इन्वर्स पढ़ा है तो आपने इन्वर्स में थोड़ा बहुत जाना होगा कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म्स आता है तो हम एक्स की जगह पुट कर देते हैं ए टेन थीटा, ठीक है। समझिएगा इसको, ए टेन थीटा पुट क्यों किया, ताकि ये नीचे वाला बिल्कुल अच्छे से बन जाए। अब देखिए अगर इसको ए टेन थीटा पुट करा तो आप इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करने पे आपको यहाँ क्या मिलेगा, वन मिल जाएगा, है ना। क्या मिलेगा आपको यहाँ, वन। और इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों, ए। और टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता है डिफरेंशिएशन। और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा ओवर डी एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको बताया ना चेन रूल से, इसका टेन थीटा का तो सेक स्क्वायर थीटा, फिर इस थीटा का करना होगा हमें डी थीटा ओवर डी एक्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, इसे इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है दोस्तों। अब जरा पुट करिए यहाँ पर, और ये आपके इन्वर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पुट कर दीजिए ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका, एक्स की जगह आ जाएगा ए टेन थीटा, ठीक है, जो हमने लगाया था, प्लस ए स्क्वायर। चलिए तो आगे देखिए, अब ये आ जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में दोस्तों, ये देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए, ए स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे तो ए अपॉन में ए स्क्वायर आएगा, ये क्या रहेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या बनेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब इस ए से एक ए कट जाएगा तो जो वन अपॉन ए हम बाहर कर दें, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका नीचे टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। क्या होता है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको क्योंकि आपने इतना इंटीग्रेशन करा है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा, इससे ये कट जाएगा दोस्तों। तो वन अपॉन ए और डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है क्योंकि यहाँ वन यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ वन यूज़ करेंगे तो थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी थीटा का क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना आप। तो अब जरा समझिएगा, प्लस सी तो यूज़ करेंगे इस करेंगे आप, तो वन अपॉन ए। अब इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, अगर आपने इन्वर्स अच्छा पढ़ा हुआ है तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक से डिवाइड करूँ तो ये एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा। अब दोनों साइड अगर हम इन्वर्स यूज़ कर लें, इन्वर्स फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए टेन इन्वर्स इस साइड लगा दें एक्स अपॉन ए, और इधर भी हम क्या कर दें, टेन इन्वर्स लगा दें टेन थीटा। तो टेन इन्वर्स टेन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, टेन इन्वर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, टेन इधर ले जाते हैं डायरेक्ट, तो वो गलत होता है, ऐसा नहीं होता दोस्तों, एक्चुअल में प्रोसेस यही है। तो आप इसी तरीके से करिएगा, इन्वर्स लगाइए दोनों साइड, तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला हो, अगर आपको प्रूफ करना है तो आप ए टेन थीटा यूज़ करके करेंगे, और अगर आपको सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है दोस्तों। इस पर क्वेश्चन देखिए बहुत सरल सा आता है, तो मैं आपको ज़रा एक क्वेश्चन यहीं पर समझा देता हूँ। जैसे आपके कुछ आपके पास एक क्वेश्चन आया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो फोर क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या हो गई, इसी जैसी फॉर्म बन गई ना। तो इसका आंसर सीधा यहाँ से क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू, ए की जगह क्या आ जाएगा, टू, और टेन इनवर्स एक्स की जगह एक्स ही है, एक्स अपॉन टू प्लस सी, सीधा आंसर आ जाएगा। पर आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी अच्छा है, इसको प्रूफ करने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल नई तरीके से प्रूफ होगा। डी एक्स अपॉन अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म्स आएगा, ठीक है, किस चीज़ में, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको एक्स इजिकल्स टू sec theta यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x इजिकल्स टू ए sec theta यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे आप ज़रा समझिएगा। पहले इधर क्या कर लीजिए, आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करने पे आपको यहाँ क्या मिलेगा, 1, और यहाँ मिलेगा a, और sec theta का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, sec theta into tan theta। ठीक है, sec theta का क्या होता है, sec theta tan theta, और theta का क्या हो जाएगा, d theta over dx। कोई दिक्कत नहीं, अब dx कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो dx की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, a sec theta tan theta into d theta। ठीक है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर सिंपली, dx की जगह क्या यूज़ करेंगे आप, a sec theta tan theta और d theta, और अंडर रूट में आप क्या करेंगे दोस्तों, x की जगह भी पुट कर दीजिए, क्या, a sec theta, तो यहाँ आ जाएगा a sec theta का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर से ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर क्या आएगा, कॉमन आएगा ना, तो फिर से वही वाला स्टेप करेंगे, और ये स्टेप दोस्तों आप जल्दी जल्दी करिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो सके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ए स्क्वायर कॉमन आएगा, पूरे में कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, देखिएगा ज़रा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बचेगा रूट के अंदर, है ना, यहाँ से भी ए स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर बाहर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉमन। ठीक है, अब देखिए ये आ गया a, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, sec थीटा tan थीटा और d थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिएगा इधर, अब इधर आपका आ जाएगा a बाहर आ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर का रूट है ना, तो देखिए ज़रा, रूट के अंदर अगर x स्क्वायर होता है तो क्या आता है, x बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, अगेन वही sec स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू क्या होती है, tan स्क्वायर थीटा, तो अगर इसका रूट करेंगे तो इधर भी रूट करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा आपको, tan थीटा, तो इसकी बची हुई वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, tan थीटा। ठीक है दोस्तों, तो tan थीटा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो चलिए अब क्या करते हैं, a से a काट दीजिए, tan थीटा से tan थीटा काट दीजिए, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, sec थीटा d थीटा। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, नहीं पता तो आप याद कर लीजिए आप, कि जो sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है d थीटा के साथ, या sec x का dx के साथ क्या हो जाता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ठीक है, log sec थीटा प्लस tan थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे, आप log, और log में जो भी आएगा वो मॉडुलस में आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है log हमेशा, तो क्या आएगा, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। आपने अगर देखा होगा तो CBSE में 2012 में 2008 में ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं कि इनको प्रूफ करिए, पर हर बच्चा क्या करता है, इनको प्रूफ नहीं करता है और सिर्फ फॉर्मूला लिख के आ जाता है, जिससे गलत हो जाते हैं। अब देखिए log sec थीटा और tan थीटा, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, log sec थीटा प्लस tan थीटा में sec थीटा की वैल्यू लेनी है, तो sec थीटा हमें कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा, sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस a को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कैसे, x अपॉन a क्या हो जाएगा आपका, sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब sec थीटा की जगह आप क्या पुट करेंगे, x अपॉन a पुट कर देंगे। ठीक है, अब tan थीटा की जगह कैसे पुट करना है, बहुत ईजी है ये, तो अगर आपको पता है कि x अपॉन a क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में से एक माइनस कर दीजिए, वन, तो आपका ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, और जो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, आपको पता होगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर को हटाएंगे तो आप क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ tan थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर सबको कन्फ्यूज़न होता है, तो उस कन्फ्यूज़न को ज़रा हटाइएगा आप भी अपने दिमाग से, कैसे, देखिए पहले तो इस रूट को हम यहाँ से हटा देते हैं, तो इस रूट को खाली ऊपर लगा दें, जिससे ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना,
तो यहाँ पर आपको पता है अब ये क्या हो जाएगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, होल में a प्लस सी आ गया। अब देखिए log जैसे हमने करा था log m अपॉन n, log m माइनस n होता है, तो इसको हम कल लिख सकते हैं क्या, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a लिख सकते हैं उसी प्रॉपर्टी से जिससे हमने करा था, याद है आपको, log m अपॉन n को log m माइनस n लिख सकते हैं ना। अब देखिए log a क्या होगा, एक कांस्टेंट, क्योंकि a कांस्टेंट है तो log a भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम एक नया कांस्टेंट दे देंगे c1, ठीक है। तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1, ठीक है। यहाँ पर c1 क्या हो गया, कांस्टेंट, ये समझिएगा आपकी a कांस्टेंट है, log a भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जैसे log 5 log 6 log 2 a क्या होगा वहाँ, कांस्टेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा ज़रूर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो चलिए अब सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं, इसके अगला वाला क्या है, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला दोस्तों क्या है, देख लीजिए, पहले लिख लीजिए वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए जब भी अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करना है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करेंगे समझिएगा, हम क्या पुट करने वाले हैं इसमें, डायरेक्ट पुट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए साइन थीटा, ठीक है। क्या पुट करने वाले हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो चलिए यहाँ पर जो हम पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कर देते हैं, हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, आपको बताइए डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा सिंपली, और ए कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा क्या हो जाता है दोस्तों, कॉस थीटा आपको पता होना चाहिए, और डी थीटा होगा डी एक्स, वही चेन रूल से। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इस बार, ए कॉस थीटा डी थीटा, ये काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पर अब डी एक्स की जगह आप पुट करिए क्या, ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि हमने ए की जगह क्या पुट करा है, ए साइन थीटा, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ए तो ये रहा, और इधर क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा डी थीटा। अब इसमें ए कॉन्स्टेंट आएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में, जो कि बाहर आ जाएगा, तो रूट से क्या आ जाएगा, ए निकलेगा ना, अपॉन में क्या आ जाएगा इसमें, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको पता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, और अगर मैं इधर रूट दूंगा इधर भी रूट दूंगा, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा दोस्तों, ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा, ए से ए, सब कैंसिल, तो क्या बचा हमें, सिर्फ डी थीटा। तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, डी थीटा का, जो हमने बता रखा है कि डी थीटा का इंटीग्रेशन सिंपली क्या होता है, थीटा प्लस सी। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे हम, थीटा प्लस सी। तो इसका आंसर यही होगा, लेकिन थीटा की जगह हमें क्या पुट करना है दोस्तों, देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या था, ए साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक स्टेप ऊपर देखिए, एक्स अपॉन ए बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, है ना। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इनवर्स यूज़ करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना। तो थीटा की जगह आप सिंपली पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन जैसे वन अपॉन आ गया आपका फोर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है। तो आप फोर की जगह समझ गए ना, 16 होना चाहिए वैसे, पर फोर स्क्वायर है। तो यहाँ ए क्या है, 4, और x क्या है ये रहा। तो इसका इंटीग्रेशन आपको सीधा फॉर्मूले के हिसाब से रखना है, साइन इनवर्स x अपॉन 4 प्लस सी, ठीक है। और प्रूफ करना हो तो आपको ये करना होगा। तो चलिए अब करते हैं सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला भी काफ़ी इजी है। देखिए सिक्स्थ वाले में क्या करना है आपको, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आपको याद होगा इसमें हमने क्या पुट करा था, ए टेन थीटा। अगर एक क्वेश्चन आपको याद होगा,
ये वाला, तो इसमें हमने क्या पुट करा था, ए टेन थीटा, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह ए टेन थीटा, तो एक्स की जगह क्या डाल दीजिए आप, ए टेन थीटा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह वन, और यहाँ आ जाएगा ए, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए पुट कर दीजिए यहाँ पर सिंपली, तो डी एक्स में क्या आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स की जगह, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए ए बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट में ए स्क्वायर है, तो ए बाहर आ गया, और अंडर रूट में क्या रह गया आपका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ठीक है। अब ए से ए तो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में, ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा, ठीक है। ये आपको दो तीन बार बता दिया तो आपको याद हो गया होगा, एक सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो क्या इंटीग्रेट करना है हमें, सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन दोस्तों अभी बताया था मैंने कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलिए यहीं लिख देते हैं डायरेक्ट, लॉग मॉड में सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब लॉग सेक थीटा आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है सेक थीटा के लिए आपको क्या चाहिए, पहले टेन थीटा यूज़ करना पड़ेगा, तो पहले हम टेन थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपने किसको माना था, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा माना था ना, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, है ना, कोई दिक्कत। और इसके बाद आपको क्या करना है कि स्क्वायर करना है बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ क्या करना है ऐड वन करना है, ठीक है। तो इससे यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप पुट कर दीजिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और प्लस टेन थीटा की जगह आप पुट कर दीजिए वॉट, एक्स अपॉन ए प्लस क्या सी। अब इसे आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, तो लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट, देखिए अंडर रूट भी इधर कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिल्कुल लास्ट वाला आपको याद है, अपॉन में ही आएगा प्लस सी, और अगेन क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस में ये लॉग ए आ जाएगा क्योंकि ये पूरे के नीचे आ जाएगा ना, लॉग ए प्लस क्या आ जाएगा सी। अब इसको हम क्या कहेंगे, एक नया कॉन्स्टेंट ले लेंगे सी वन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी वन, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ गए दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप पहले धीरे धीरे पढ़िए, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। देखिए ये सिक्स तो प्रूफ हो गए, आपको याद भी हो गया होगा कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर रूट में आएगा तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट में अगर माइनस आएगा तो आपको बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होगा तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये और अच्छे से याद हो जाएंगे। अब दोस्तों एक कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, लेकिन इसमें कोई प्रूविंग नहीं है, बस आपको समझना होगा, कुछ समझना का क्या होगा देखिएगा, कि जब भी आपका कुछ ऐसा फंक्शन आए, लिख लीजिए सेवन्थ वाला, कि मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन में नहीं दे रखा परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको क्या करना होगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दे रखा है, ठीक है, और आपको अगर इसका इंटीग्रेट करना है, तो आपने बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी जिसका नाम होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करते क्या हैं, बहुत सिंपली क्या कर देते हैं, देखिएगा ज़रा, डी एक्स अपॉन पहले तो इस ए से डिवाइड कर देंगे पूरे को, कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स ए प्लस सी अपॉन ए, क्योंकि ए से डिवाइड करेंगे तो इस पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा ना कॉमन लेने के लिए, और उसके बाद क्या करते हैं हम डी एक्स अपॉन ए इस बीच वाले का स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं पूरे में, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए इसका आधा करिए बी अपॉन टू ए हो जाएगा, आधा बी अपॉन टू ए, और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, और यही माइनस कर देंगे हम इसमें बी स्क्वायर अपॉन
फोर ए स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका c अपॉन ए माइनस बी अपॉन फोर ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, अगर इसको आप k मान लेंगे, क्या मान लेंगे, k, तो ये आपका कैसा बन जाएगा, k स्क्वायर जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जो परफेक्ट फॉर्म आएगी वो आएगी डी एक्स अपॉन ए, और इसको आप एज इट इज़ जैसे t मान लेते हैं तो इसका हो जाएगा t स्क्वायर, और इसको आप k स्क्वायर मान लेते हैं तो ये आ जाएगा आप k स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करेंगे, उस फॉर्मूले से कर देंगे, टेन इनवर्स x अपॉन ए वाले से, समझ आ गया ना दोस्तों। अगर यहाँ माइनस होगा तो दूसरे वाले फॉर्मूले से कर देंगे, लॉग वाले से। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और सेम टू सेम दोस्तों इसमें भी यही है, एट्थ वाले में भी यही है, जो हमने सेवन्थ वाले में किया था वही एट्थ वाले में। अब आता है एक नाइन्थ वाला, तो नाइन्थ वाले में एक अलग चीज़ यूज़ होने वाली है, जिसको आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझनी भी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये नाइन्थ वाला जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसा, जैसे इंटीग्रेशन है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में अंडर रूट क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए अंडर रूट में नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं खाली सिंपली लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट है आगे, देखिए ये टेंथ वाला है ना, तो ये टेंथ वाला भी सेम है, अंडर रूट में आएगा, लेकिन हम टेंथ वाला नहीं, हम नाइन्थ वाला समझा देते हैं पहले। क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो इसमें आपको चीज़ क्या यूज़ करनी पड़ेगी, देखिए ये ए एक्स स्क्वायर है, जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर को आपको बराबर करना होगा पी एक्स प्लस क्यू को किसके, डी ओवर डी एक्स ऑफ जो डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। पहले यहाँ पर एक कैपिटल ए यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल बी, क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल ए, और क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल बी। अब इसका आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का टू ए एक्स, और बी एक्स का क्या हो जाएगा बी, प्लस क्या हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू के बराबर है ना। तो अब देखिए जो पी एक्स वाला है ये ए वाले से हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे दोस्तों। कैसे कंपेयर करेंगे ज़रा देखिएगा, ये आ जाएगा ए इंटू टू ए एक्स प्लस ये आ जाएगा ए इंटू बी प्लस कैपिटल बी। ये चीज़ शायद आपको थोड़ी कम समझ में आए, पर आपको बाद में समझ में आ जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, A इंटू टू ए, और Q बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए बी प्लस बी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप पहले A की वैल्यू निकालेंगे, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, P अपॉन टू ए, और फिर क्या निकालेंगे आप, यहाँ A की वैल्यू पुट करके आप B की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आएगी, ठीक है। तो अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ, पर आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, 7.4 की जो नेक्स्ट वीडियो है आप उसे देखना, उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों 6 मार्क्स का 100% आपके CBSE में आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी कमेंट हो सर ज़रूर नीचे लिख देना कि हमें ये डाउट है कमेंट में, और लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों से, और इसको आप समझते रहना, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।